मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम खलबुजुर्ग स्थित मराल कंपनी के गेट पर एक मृतक मजदूर के शव को रखकर परिजनों द्वारा आर्थिक सहायता की मांग रखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूर ब्रजदेव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी बिहार पिछले 22 वर्षों से मराल कंपनी में कार्यरत था, जो पिछले 17 दिनों से अस्पताल में भर्ती था जिसका उपचार जारी था। उपचार के दौरान मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं रविवार को सुबह 6 बजे से ही कड़ाके की ठंड में ही परिजन मृतक मजदूर का शव लेकर कंपनी गेट पर पहुंच गए थे। वहीं कंपनी गेट पर 2 घंटे शव पड़ा रहा, जिसके बाद कंपनी गेट पर पड़े शव को लेकर कंपनी प्रबंधन ने बात करके शव को आर्थिक सहायता की मदद की गई एवं शव को वाहन की व्यवस्था कर उसके शव को उसके गृह ग्राम पहुँचाया गया। ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये काफी दिनों से बीमार था और इसको हमने ESI नंदानगर में भर्ती किया था, क्योंकि इसकी फेफड़े की बीमारी थी, संबंधित बीमारी थी। पिछले 15-20 दिन से ये भर्ती था, वहाँ इसको लाभ नहीं हुआ तो फिर वहाँ से इसको चरक अस्पताल में भर्ती किया गया। कल उसकी मृत्यु हो गई। और इसके परिजनों को कुछ दिया गया, कुछ राशि वगैरह? अभी तो इसकी जो इसका शव है, मृत शव है, इसके पैतृक गाँव बिहार में हमने भिजवा दिया है और वो उसका पूरा खर्चा हमने दिया है। बिहार के रहने वाले? बिहार के, सिवान के रहने वाले। ये हमारे यहाँ 2001 से काम कर रहा था। अभी कोई नगद राशि कुछ नहीं दी? अभी तो क्या है, ये जब वहाँ से अपना पूरा क्रिया कर्म करके उनके परिवार जन, उनकी जो पत्नी वो आएंगी, तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो PF से इनको पेंशन लगेगी करीब। उनको तो कल बोल दिया था हमने कि हम पूरा प्रबंध कर देते हैं, लेकिन ये पता नहीं भारी तत्वों के उसमें बहकावे में आके इन्होंने बॉडी लेके आया, जो लाना उचित नहीं था। हाँ दी, अंत्येष्टि राशि दी है उनको, उनको हमने सब पूरा खर्चा दिया, उनको अलग से हमने अंत्येष्टि राशि उनको 15-20 हजार रुपये वो दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण सिंह। कौन से पद पर? कारखाना प्रबंधक।